वेलकम क्लास 8, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 12 विद एक्सरसाइज 12D. टुडेज टॉपिक इज सेल टैक्स एंड वैट. व्हाट इज द सेल टैक्स? सेल टैक्स इज लेवाइड बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट लगाती है किसी भी प्रोडक्ट के आइटम के सेल प्राइस पे. और सेल टैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? द रेट ऑफ सेल टैक्स अपॉन 100 इनटू सेलिंग प्राइस. और फिर टोटल जो पेबल अमाउंट होगा उसमें हम सेल टैक्स को सेलिंग प्राइस में ऐड करके हम फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, वैल्यू एडेड टैक्स. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स वैट? सेल टैक्स जो है किसी भी प्रोडक्ट के अलग अलग आइटम पे इंडिविजुअली लगा सकते हैं या लगाते हैं, बट वैल्यू एडेड टैक्स प्रोडक्ट में सिंगल टाइम्स लगता है, केवल एक बार. क्लियर? और अगर आपको किसी भी आइटम में डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंटेड प्राइस जो होगा उस पर सेल टैक्स और वैट लगेगा. नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन ऑफ 12D. क्वेश्चन नंबर 1, सेलिंग प्राइस इज गिवन, रेट ऑफ सेल टैक्स इज ऑल्सो गिवन. तो आपको सेल टैक्स फाइंड आउट करना है. तो रेट इनटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100, सॉल्व करके 30.31.5 रुपीज. तो दिस इज द सेल टैक्स. नाउ द अमाउंट पेड, दोनों को क्या कर देंगे हम? प्लस सेल टैक्स प्लस सेलिंग प्राइस जो है, जो आपको गिवन प्राइस था उसका ओरिजिनल. क्वेश्चन नंबर 3, मार्क प्राइस गिवन, रेट ऑफ सेल टैक्स गिवन. तो सेल टैक्स फाइंड आउट कर लिया फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, एंड देन सेलिंग प्राइस क्या हो गया, दोनों को ऐड कर लिया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मधु बॉट द मार्क एक आइटम एंड ए रुपीज ऑफ 1800, सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो गिवन. तो वैट कितना हो गया, दोनों को माइनस करके हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 180 रुपीस. द रेट ऑफ वेट, अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, सेल टैक्स इनटू 100 अपॉन मार्क प्राइस. तो वी विल गेट 10% वैट. क्वेश्चन नंबर 7, द मार्क प्राइस ऑफ पेंट एंड शर्ट इज ऑल्सो गिवन 980 रुपीस. तो दोनों का आपको अलग अलग मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है. पेंट पे वैल्यू एडेड टैक्स है 10%. तो लेट द मार्क प्राइस ऑफ पेंट इज एक्स. तो शर्ट का कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स रुपीस. अब दोनों का हम अलग अलग सेपरेट वैट फाइंड आउट करेंगे. तो पेंट का हो गया 10% ऑफ एक्स, सॉल्व करके एक्स अपॉन 10. और शर्ट 5% ऑफ 980 माइनस एक्स. तो ये सॉल्व करके आ गया आपका इतना. टोटल वेट कितना है, 94. तो दोनों को अलग अलग जो हमने फाइंड आउट किया था उसको ऐड करके 94 के इक्वल हमने रख दिया उसको. अब सिंपली जैसे एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितने रुपीज़ आई, 900 रुपीज़. तो 900 रुपीज़ इज द प्राइस ऑफ पेंट. तो शर्ट का कितना हो जाएगा, 180 माइनस 900, 980 रुपीज़. दोनों का सेपरेट मार्क प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेट ऑन बिस्किट 5%. अब 5% किसका, 80 रुपीज़. तो ये आपने निकाल लिया 4 रुपीज़. वेट ऑन टिन फूड आइटम, ये है 5% ऑफ 60 रुपीज़ का 5%. ये कितना रुपीज़ आया, 4.8 रुपीज़. दोनों को अब हम प्लस कर लेंगे किस में, उनके मार्क प्राइस में. तो 80 प्लस 4 एंड 60 प्लस 4.8. तो टोटल अमाउंट 148.8 रुपीज़. जो वैट की जो अमाउंट है वो इतना आ गया, और 180 रुपीज़, 148.8 रुपीज़. नाउ अब उसने 1000 रुपीज़
कितना उसको दिया था, तो रिटर्न अमाउंट कितना हो गया, 1000 माइनस 148.8 इज इक्वल टू रुपीज़ 851.20 इज द रिटर्न अमाउंट. क्लियर? नाउ द चैप्टर नंबर 12 इज कंप्लीट. तो कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक.